हेलो एवरीवन, आज फिर से मैं आप सभी के लिए बेहद ही खास वीडियो लेकर के आ गई हूँ और आप सभी को बताना चाहूंगी कि आपका एग्जाम बहुत ज्यादा पास आ चुका है, मतलब मैक्सिमम आपके पास एक हफ्ते ही बचे हुए हैं। तो मैं इस वीडियो में ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी, कुछ 10 से 15 मिनट का समय लूंगी। अब इस 7 दिन में क्या कुछ किया जा सकता है आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, इस पर आज के सेशन में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आपके सामने पहले तो मैंने सिलेबस रख दिया है, ना जाने कितने वीडियो बनाए हैं, और आप में से सारे बच्चे जो कि 17 दिसंबर को एग्जाम देने के लिए जा रहे होंगे, हर एक बच्चा इस सिलेबस से परिचित होगा, है ना, कि इस सिलेबस में क्या क्या है। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा क्योंकि काफी टाइम पहले नोटिफिकेशन आ चुका था। तो अगर फर्स्ट टाइम भी आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो आप लोगों ने सिलेबस तो जरूर कंप्लीट किया होगा, बट अगर अभी भी सिलेबस नहीं किया तो 7 दिन का समय है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने सिलेबस को जरूर कंप्लीट कर लो। लेकिन जिन बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अब इन 7 दिनों में उन बच्चों को क्या करना है, आइए उस पर हम करते हैं चर्चा, है ना। सिलेबस के अंदर सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश पढ़ना है, फिर आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, फिर आपको मध्य प्रदेश पढ़ना है, फिर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, फिर आपको मध्य प्रदेश पढ़ना है, और ऐसे करके आपको ये जो 10 यूनिट है अपनी वो करनी है कंप्लीट। अब लास्ट मोमेंट पे अब बचे हुए 7 दिनों में आपको करना क्या है, चलो सबसे पहले ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है और ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना सिलेबस पहले ही कंप्लीट कर लिया है, दोनों टाइप के बच्चों के लिए मैं बताऊंगी, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जॉब कर रहे होते हैं और उस वजह से टाइम कम मिलता है और सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है, है ना। ऐसे लोगों के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि क्षमता दूसरे बच्चों से ज्यादा होती है, क्योंकि वो जहां पर 7-8 घंटे की जॉब करते हैं और कम समय उनको मिलता है पढ़ाई के लिए, लेकिन कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें वो पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है वो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने समय को 2 पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। आप अपने पूरे दिन को मान के चलती हूं मैं कि इस टाइम पर आप 10 घंटे की पढ़ाई तो जरूर कर रहे होंगे, और अगर नहीं करते हैं, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया है, तो प्लीज 10 घंटे पढ़ाई को जरूर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताब खोल के आपको बैठे रहना है, आपको पढ़ना है एक्चुअल में, अगर आपको प्रीलिम्स पास करना है तो। अब 10 घंटे में आप अपने समय को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना, है ना। आप 3 घंटे या पहला जो है ये 4 कर लेते हैं, दूसरा 3 और तीसरा 3। ये जो आपने 4 घंटे किस चीज के लिए अलग रखे हैं मालूम है, ये आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपने ये अलग रखा है। 4 घंटे दिन में उठ रहे हो, 8 बजे उठ रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो, उठने के साथ 4 घंटे सबसे पहले आप अपने सिलेबस में जो चीजें बची हैं उसे कवर करो, ठीक है। उसके बाद आपको दिन में 3 घंटे कम से कम रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ऐसी यूनिट जहां पर आपको लग रहा है कि थोड़ी कसर रह गई है, पढ़ा तो है लेकिन भूल जाएगा, वहां पर उन चीजों को जरूर रिवाइज कीजिएगा। और ऐसी यूनिट मैंने एक वीडियो में और आपको बताया है कि कुछ ऐसी यूनिट है जहां पर कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो, जैसे एमपी। एमपी कम समय में होता नहीं है लेकिन रिवीजन जरूर करना है। आयोग, यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8, ये सब ऐसे पोर्शन है कि आप पढ़ के, मतलब अगर आप एक टॉपिक पढ़ोगे, है ना, क्योंकि सिलेबस में ज्यादा टॉपिक रखा नहीं गया है, कुछ आयोग है जो कि आपको रटने हैं, समझने हैं और रटने हैं, तो रिवीजन में आप इन चीजों को जरूर इंक्लूड करेंगे। बाकी आपको लगता है कि नहीं ये चीजें बच गई हैं तो आप उन्हें भी मतलब ज्यादा से ज्यादा उनका रिवीजन करेंगे, और बाकी सिलेबस में जो चीजें रह गई हैं उसे जरूर करना है। जैसे लूसेंट रह गया तो लूसेंट करिए, मिसलेनियस रह गया उसे रटना स्टार्ट कर दीजिए। और ये जो 3 घंटे का जो समय है ना, इसमें आपको मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करने हैं जहां से मिले, मॉक टेस्ट दे रहे हो उसके अलावा भी ट्राई करो कि 2 घंटे, मैंने 3 घंटे रख दिए, मुझे 2 ही घंटे आपको देना चाहिए, बट फिर भी टाइम है तो चलो 3 घंटे कोई बुक ला लो,
इंटरनेट में ना जाने कितने क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अलग अलग यूनिट को उठाओ। हमारे पास अभी 7 दिन है, तो ट्राई करो कि एक दिन में कम से कम 2 यूनिट से रिलेटेड एमसीक्यूज तो मतलब मैक्सिमम आप कर ही लो। जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं एमसीक्यूज उठाओ और लगाना स्टार्ट करो, क्योंकि कई बार टॉपिक पढ़ते हैं तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाए जो टॉपिक से मतलब रहते तो टॉपिक से ही रिलेटेड है, हमारे पढ़े हुए ना हो, है ना, वो एमसीक्यूज में कई बार हो जाते, अच्छा खासा स्कोर करोगे। तो ये 7 दिन जो आपके पास बचे हुए हैं ना, आप इतनी चीजें कर लोगे, सिलेबस नहीं कंप्लीट किया वो भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लोगे। अब आ जाते हैं दूसरे बच्चों की साइड, जिन्होंने सिलेबस अपना कवर कर लिया है, तो मुझे लगता है कि अब ये 4 घंटे जो ये सिलेबस के लिए दे रहे हैं, मुझे लगता है अब उनको देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ठीक ठाक उन्होंने तैयारी कर ली है। अब आप भी क्या करो, 10 घंटा आपको भी देंगे, भाई अगर सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, 1 हफ्ते की बात है, 10, 9, 8 जितने भी घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, अगर जॉब कर रहे हो तो थोड़े दिन आप रेस्ट ले लो, ब्रेक ले लो, है ना। तो चलो 10 घंटे आप भी पढ़ रहे हो, और इसमें भी हम आपका जो पूरे दिन का 10 घंटे का जो समय है उसे हम डिवाइड कर देते हैं, सिलेबस आपको करना नहीं है, आपको करना है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। तो 5 घंटा आप रिवीजन करो, और आप चलो 8 घंटा ले लो, आपके लिए 8 घंटे भी बहुत है, और 3 घंटा आप क्या करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, है ना, रिवीजन मस्ट है। और सेम आपके लिए भी मेरा यही ओपिनियन रहेगा कि अगर आपको लगता है किसी यूनिट में कि कसर रह गई है तो भाई उसे आप जल्द से जल्द निपटा डालो, यानी रिवीजन करके। जैसे कई बच्चों को यूनिट 9 में प्रॉब्लम आती है, कई बच्चों को ज्योग्राफी में प्रॉब्लम आती है, तो ये जो 5 घंटा है, दिन में 5 घंटे का समय बहुत होता है, करंट अफेयर को जरूर देना, रोज का 1 घंटा 1.5 घंटा करंट अफेयर आप भी जरूर दीजिएगा। तो ये 7 दिन आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं, कुछ बच्चों को लगता है कि अभी तक नहीं पढ़ा तो अभी 7 दिन में क्या ही हो जाएगा, बिल्कुल बात सही है, लेकिन पहले अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी करी है और आपको समय नहीं मिल पाया है रिवीजन करने का, तो ये 7 दिन बहुत होते हैं, है ना, बहुत होते हैं ये 7 दिन। तो भाई हार नहीं माननी चाहिए, और हार तब तक नहीं मानना जब तक आप एग्जाम दे करके लौट ना आओ, इनफैक्ट जब तक आंसर की ना आ जाए या रिजल्ट ना आ जाए कि कट ऑफ कितना जा रहा है, तब तक आपको हार नहीं माननी है, और हार नहीं माननी, और साथ ही साथ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है आपको कि नहीं इस बार हमें फाइनल सिलेक्शन लेना ही है, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ इस सेशन को एंड करूंगी कि ये जो स्ट्रेटजी है ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, और 7 दिन के बाद जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन शाम को आप सभी से मिलेंगे और पूछेंगे कि क्या रहा आपका स्कोर और किस क्वेश्चन में क्या सही जवाब आपने लगाया है, क्योंकि एमपी एग्जाम वाला सबसे पहले आप सभी के लिए जो आंसर की है वो लेकर आएगा, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, और अगर टाइम हो तो कमेंट में बताइएगा कि क्या ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी या नहीं रहेगी। अगर देखो किसी भी स्ट्रेटजी, जरूरी नहीं है कि आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करो, आप खुद की भी स्ट्रेटजी फॉलो, अपने हर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों की अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है, हो सकता है आपने अपने लिए कुछ दूसरी स्ट्रेटजी बनाई हो, बिल्कुल आप उसे फॉलो कीजिए, लेकिन फाइनल रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। और कॉमेंट में बता देना कैसी चल रही है तैयारी और ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी, क्या आपके लिए ये मददगार साबित होगी या नहीं होगी, ठीक है। मेरे हिसाब से जरूर होनी चाहिए। मिलते हैं अगले किसी अपने ऐसे सेशन में जहां पर आपको एग्जाम के लिए हम बहुत कुछ ऐसे टिप्स बताएं जो कि आपको एग्जाम में बिल्कुल हेल्प करेंगी। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।